लगता है इधर पानी अभी खुला है भाई, दोपहर के समय पे, अभी दोपहर का 2 बज रहा है भाई, इसी तरह पानी बहते रहता है भाई। चैनल रवि टी ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज फिलहाल मैं जा रहा हूँ उवरली। उवरली के सामने एक पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा झुग्गी झोपड़पट्टी स्थित है भाई, और आप सभी को दिखाने वाले हैं वहाँ का जो आम इंसान का जीवन है वो किस प्रकार से होता है भाई। आप मुंबई की पतली पतली गलियों का नज़ारा भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ ये दिखाएंगे कि भाई ऊपर जब पहाड़ पे चढ़ोगे ना तो काफ़ी ख़तरनाक जीवन रहता है। फिलहाल मैं अभी मुंबई सेंट्रल में घूम रहा हूँ, अभी इधर से बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के उवरली नाका चलेंगे, और उवरली नाका जाने के बाद उस झुग्गी झोपड़पट्टी के एरिए में जाएंगे और दिखाएंगे आप सभी को कि भाई जो गांव से फैमिली लेकर के आते हैं ना तो किस प्रकार से रहते हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी में वो दिखाएंगे और पतली पतली गलियां दिखाएंगे भाई। फिलहाल देख सकते हो मैं मुंबई सेंट्रल में इस एरिए में घूम रहा हूँ, यहीं पर सामने बस स्टॉप है भाई, अभी बस पकड़ेंगे और बस पकड़ करके उवरली नाका चलेंगे। और ये देख सकते हो भाई बस वगैरह इधर से आ रहा है, यह वाला अभी नया निकला है भाई, काफ़ी बढ़िया दिखता है ये देखो। फिलहाल ये सामने जाता हूँ, ये ऊँची जो इमारत है ना मुंबई सेंट्रल का सबसे ऊँची इमारत है, उसी के सामने बस स्टॉप है, तो चलते हैं बस स्टॉप के सामने और करते हैं बस का इंतज़ार। और भाई बस कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है, और अभी दोपहर का समय है तो थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन मैं जब शाम को इधर से गुजरता हूँ ना तो कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा भी वेट करता हूँ भाई। और ये सामने देखो ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, और इधर चले जाएंगे, इसके एक स्टेशन आगे ग्रैंड रोड स्टेशन है, और यहाँ का कुछ ऐसा हलचल है भाई दोपहर के समय का। और ये पाइप पता नहीं इससे क्या पानी वानी जाता है, क्या पानी वानी जाता होगा भाई। ये देखिए बस जा रहा है, ये है वालकेश्वर। वालकेश्वर किधर है क्या है मालूम नहीं भाई, कुछ जगह होगा या मंदिर वंदिर कुछ होगा मुझे मालूम नहीं। फिलहाल मैं तो अभी इधर से 357 पकड़ूंगा, ये बस स्टॉप के सामने करता हूँ इंतज़ार, 357 पकड़ के चलता हूँ आगे की ओर। और पीछे वाला कौन सा बस है भाई, आ देखो वो 124 है, वो भी जाएगा उवरली नाका, ये भी जाएगी भाई, लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊँगा, इसके बाद वाले पे जाऊँगा। ये बस स्टॉप का देखो भाई हाल कुछ ऐसा है, और इसी के सीधा सीधा आगे चले जाएंगे तो आप सभी को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा भाई। और ये देखिए सामने मुंबई सेंट्रल स्टेशन। भाई साहब ये गली के बाहर का नज़ारा देखो, ये सब रूम वगैरह है, और इसी के सामने ये छोटी सी मार्केट लगी है। मुंबई में गली के बाहर ही मार्केट लगती है भाई। और सामने देखो आप सभी को पहाड़ दिखेगा, उसी के ऊपर चलेंगे अभी। सीधा सीधा आगे ऊपर चढ़ेंगे, देखो सामने देखिए कितना छोटी छोटी रूम वगैरह आप सभी को देखने के लिए मिलेगा देखो भाई। तो अभी चलते हैं ऊपर, एकदम ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे आप सभी को। फाइनली दोस्तों गली के अंदर आ चुका हूँ भाई, ये देखो गली के अंदर का नज़ारा, आओ मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखो किस प्रकार से छोटी छोटी रूमें बनी हुई हैं, इधर देखो। भाई साहब पतली पतली कर ली, यह है मुंबई की पतली पतली सी गली, दोनों साइड रूम वगैरह दिखेगा भाई। इधर देखो भाई साहब पाइप वगैरह बिखा हुआ है, ऊपर से पानी चू रहा है भाई, लगता है इधर पानी अभी आया है।
पानी अभी खुला है भाई दोपहर के समय पे, अभी दोपहर का 2 बज रहा है भाई। ये देखो मुंबई की पतली पतली सी गली, जब आप इधर रेंट पे लेंगे तो इसी तरह से रहेंगे भाई। ओ भाई आपको पूरा दिखाऊं इधर का नज़ारा। ये देख सकते हो सामने आप सभी को वर्लीना का सिटी दिखेगा, और फिलहाल मैं अभी झोपड़पट्टी के अंदर आया हूँ और आप सभी को पूरा झोपड़पट्टी का नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह से दिखता है। तो भाई देखो अभी अभी पानी खुला है और मुझे डर लग रहा है भाई कहीं स्लिप खा के नीचे ना गिर जाऊँ। ये देखो आप मुंबई में इस तरह कहीं देखे हो भाई? ये देखो किस प्रकार से छोटी छोटी सी गटर टाइप का बना हुआ है, और ऊपर देखो भाई कितनी ऊपर तक बनी हुई है। आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये देखो कितना खतरनाक है भाई। इसी तरह पानी बहते रहता है भाई। कौन सा चैनल है आपको? चैनल रवि टी व्लॉग। करो भाई करो सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, इसी तरह पानी बहते रहता है इधर। ओ भाई साहब देखो दिल्ली का इसी तरह रहता है इधर का। भाई स्लिप खा के अगर नीचे गिर जाओ तो क्या होगा भाई? इधर देखो किस प्रकार से छोटी छोटी रूमें बनी हुई है। भाई पेंट भीग गया मेरा यार घूम घूम के इधर। ओ भाई साहब ये देखो नीचे का नज़ारा भाई, मुंबई की पतली पतली सी गली का। भाई ये है मुंबई का जीवन आम इंसान का। हाँ फिलहाल अभी मैं इधर से आपको आगे की ओर ले चलता हूँ, काफ़ी डेंजर भरा था भाई। इधर देखो कितनी ज़्यादा छोटी छोटी रूमें देखने के लिए मिलेगा दोनों साइड। ये देखो दो दो तीन तीन मंजिले का घर। इधर देखो भाई ये है मुंबई की आम लोगों का ज़िंदगी, इसी में बसता है। और देखो कितनी छोटी सी पतली सी गली में दुकान भी खुला हुआ है। आपको सिटी में भी लेके चलता हूँ, आपको इधर का तो पूरा नज़ारा दिखाया हूँ भाई। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी भाजी वगैरह किस तरह से बेचते हैं भाई। सामने वर्लीना का सिटी दिखेगा आप सभी को, ऊँची ऊँची इमारत, ये झुग्गी झोपड़पट्टी है जो अभी आपको दिखाएँ। ये देखो भाई कितना शानदार बना हुआ है। दोस्तों फाइनली रूम पे आ चुका हूँ, और ये देख सकते हो भाई मुंबई के जो झुग्गी झोपड़पट्टी के अंदर आप सभी को इस प्रकार से छोटी छोटी रूमें देखने के लिए मिलेगा। और ये जो रूम दिखा रहा हूँ ना, इस रूम पे हम ही लोग रहते हैं, देख सकते हो भाई कितना छोटा सा है। ये देखो किचन, इधर देखो यहाँ पे पानी वगैरह डब्बा वगैरह रखा हुआ है, और मोहरी देखो भाई कितनी छोटी सी मोहरी है जहाँ पर हम लोग नहाते हैं। और इधर देखो जिधर देखेंगे उधर गैलन वगैरह रखा है, और इधर कपड़ा वगैरह देखो इसी तरह फेंका हुआ रहता है भाई। तो यही है मुंबई की झोपड़पट्टी का रूम वगैरह, इसी रूम पे हम लोग रहते हैं भाई। और आप सभी को दिखा दिए कि मुंबई की झोपड़पट्टियों में किस तरह से छोटी छोटी रूमें होती हैं। फिलहाल मैं अभी इधर से आगे की ओर चलता हूँ, और छोटी सी रूम होती है भाई, इसमें 4 लोग 5 लोग और बहुत से अपने फैमिली के साथ भी रहते हैं। फिलहाल अभी हम लोग तो दोस्त दोस्त रहते हैं, काफ़ी मज़ा आता है इतने छोटे से रूम पे रहने में, मज़ा आता होगा सोचिए। इधर देखिए कपड़ा वगैरह रखा हुआ है, पूरा ऐसा नज़ारा है भाई। आओ चलता हूँ अब बाहर, आप सभी को पूरा नज़ारा दिखाएं।
दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन, और अभी इधर से चलता हूँ अपने जॉब पे। भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, आप सभी को वर्ली नाका का दिखाएं, फिर जाके रूम पे गए, फिर अभी इधर मैं स्टेशन पे आया हूँ, स्टेशन से लोकल पकड़ता हूँ फटाफट, और लोकल पकड़ के सांता क्रूज चलता हूँ भाई, और मिलते हैं आप सभी से डायरेक्ट सांता क्रूज में। ये देख सकते हो ब्रिज का कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी इधर से जाएंगे एक नंबर प्लेटफॉर्म पर बोरीवली के लिए। ये देखो भाई लोकल का क्या नज़ारा है, ये देखो ये पब्लिक किस तरह से आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिलहाल मैं अभी जाता हूँ एक नंबर प्लेटफॉर्म पे और लोकल पकड़ के मिलता हूँ आप सभी से सांता क्रूज में। दोस्तों अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिलहाल मैं आ चुका हूँ मुंबई सांता क्रूज स्टेशन भाई, और अभी इधर से चलते हैं अपने जॉब पे। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, करीब 2 बज गया है भाई, और आज जाएंगे डांट भी सुनेंगे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में कभी कभी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट वगैरह कर देता हूँ। और ये सांता क्रूज स्टेशन का नज़ारा दिखा दिया हूँ, फिलहाल मैं अभी इधर से जा रहा हूँ भाई, यहाँ से जाने में मुझे 10 मिनट लगता है, और मैं बस से नहीं जाता हूँ भाई, पैदल जाता हूँ, और यहाँ पे बस चलता भी नहीं है, ऑटो चलता है, लेकिन नज़दीक में है तो क्या ज़रूरी है ये सारी चीज़ें लेना। और यहाँ पे जैसे ही उतरेंगे ना तो आपको यहाँ पे गन्ना का जूस दुकान मिल जाएगा, आप पी सकते हो भाई। फिलहाल मैं अभी ये सब नहीं पीऊँगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।